बेस्ट होम वाइटनिंग फेशियल आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ, जिसके रिजल्ट्स आप लोगों को अमेजिंग मिलेंगे। जिनके ब्लैक हेड्स बहुत ज़्यादा हैं, ओपन पोर्स हैं, उन्होंने तो ये वीडियो हरगिज स्किप नहीं करनी, क्योंकि आज की वीडियो में मैं आप लोगों को फुल वाइटनिंग फेशियल अस्सलाम वालेकुम यार YouTube फैमिली, कैसे आप सब लोग? आई होप सब लोग ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। और आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ बेस्ट वाइटनिंग फेशियल। तो लड़कियों, आप लोगों ने वीडियो को हरगिज़ स्किप नहीं करना, क्योंकि आज की वीडियो में मैं आप लोगों को ओपन पोर्स के लिए फेशियल बताऊंगी, वाइटनिंग के लिए बताऊंगी, टैन रिमूवल बताऊंगी और इतना बजट फ्रेंडली फेशियल बताऊंगी कि आप लोग अगर वीक में 3 दफ़ा ये फेशियल को कर लेती हैं ना, इतने अमेजिंग और कमाल के आप लोगों को रिजल्ट मिलेंगे कि आप लोगों ने हाथ उठा के जो है वो मुझे दुआएं देनी है कि वाह शनीला, आपने बहुत अच्छा फेशियल बताया, बेस्ट वाइटनिंग फेशियल है। अगर आपको रिजल्ट्स ना देना तो आपने एक दफ़ा आकर कमेंट सेशन में ज़रूर कहना कि शनी हमें इस चीज़ ने रिजल्ट नहीं दिए, इतने कमाल के रिजल्ट्स हैं ना। मैं खुद इस फेशियल को यूज़ करती हूँ और इसके रिजल्ट्स में आप लोगों को मैंने सोचा कि क्यों ना मैं आप लोगों के साथ इस फेशियल को शेयर करूँ, ताकि जो मेरी यूट्यूब फैमिली है वो भी इस फेशियल से फ़ायदा उठा सके। और जो लड़कियाँ जिन लड़कियों की स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है और वो केमिकल्स वाले फेशियल्स अफोर्ड नहीं करती, या पॉलर्स वाले फेशियल्स अफोर्ड नहीं करती, या वो किसी गांव वगैरह में रहती हैं, तो वो चाह रही हैं कि उनकी स्किन के ऊपर जो टैन हो जाता है, उनकी स्किन काली से रंगत की तरफ जाना शुरू हो जाती है, तो वो उनकी स्किन जो है वो ब्राइट अप हो जाए और ग्लो करना शुरू हो जाए, तो इस फेशियल को आप लोग ज़रूर ट्राई करें। सबसे पहले जो है हम लोग ले रहे हैं योगर्ट, जिसको हम दही बोलते हैं। इसके अंदर ब्लीचिंग प्रॉपर्टीज़ हैं, ये आपकी स्किन को इम्प्रूव करती है, आपकी स्किन टोन को लाइटनिंग की तरफ लेके जाती है, ब्राइट अप करती है। फेस मास्क ये आपकी स्किन को ऐसा ना फ्रेश लुक दे देती है, स्किन के लिए भी और स्टमक के लिए भी, बॉडी के लिए भी। योगर्ट के आप लोगों को पता है बेशुमार फायदे हैं, इसको हम लोग इग्नोर नहीं कर सकते। उसके बाद आ जाता है जी बेसन। आप लोगों को पता है कि मैं साइड इफेक्ट्स भी बताती हूँ हर चीज़ के, और आप लोगों को उसके बेनिफिट्स भी बताती हूँ। उसके बाद आ जाता है बेसन। बेसन जो है वो हमारी स्किन के ऊपर इतना ज़बरदस्त मटीरियल है, इतने अच्छे तरह से काम करता है। सबसे पहले तो इसमें मिनरल्स हैं, इसमें विटामिंस हैं, एक्सफोलिएट प्रॉपर्टीज़ हैं इसके अंदर। उसके बाद रिमूव करता है आपके डेड स्किन सेल्स को, अनलॉक करता है आपके जो है वो पोर्स को, लॉकअप कर देता है। उसके बाद आपकी स्किन को एक स्मूदर की तरफ, स्मूद आपकी स्किन को कर देता है, आपकी स्किन को ब्राइट अप करता है। इतनी जब जबरदस्त फायदे वाली चीजें हम लोग इस फेशियल में यूज करेंगे तो आपका जो कलर है वो क्यों नहीं गोरा होगा। लड़कियों, आप लोगों को अगर कोरियन ग्लास लुक चाहिए, फेशियल में ग्लो चाहिए, स्किन आप लोगों की ग्लो नहीं करती, तो इन रेमेडीज की तरफ जाएं, इस फेशियल को जरूर ट्राई करें। उसके बाद जी मैंने इसके अंदर जो यूज किया वो राइस पाउडर भी यूज़ किया, जो कि हमारी स्किन के ऊपर जितने भी डेड सेल्स हैं उनको रिमूव करने में हेल्प करे। उसके बाद आ जाता है जी हमारे पास एवरीडे नेस्ले का ड्राई मिल्क पाउडर। इसके अगर मैं फ़ायद की आपसे बात करूँ ना, तो मैं कहती हूँ कि आपने इसको कभी भी इग्नोर नहीं करना, और जस्ट अगर आप इसको अकेले भी यूज़ करना चाहें तो बेशुमार ये आपको फ़वाद देगी, और इतने कमाल की आपकी स्किन के ऊपर ग्लो ले आएगी ना कि आपने हैरान होना है। अगर आप कुछ भी नहीं कर रहे तो आप जस्ट इसको ही एज अ क्लिंजर के तौर पर यूज़ कर सकते हैं। ये हमारी स्किन को यंगर लुक की तरफ लेके जाता है। जो इसमें के अंदर जो है वो बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ हैं, जो कि आपकी स्किन को, स्किन के ऊपर जितने भी ब्लैक हेड्स हैं उसको ये कंट्रोल करती हैं। उसके बाद जो है ये आपकी स्किन के ऊपर बहुत अच्छा और कमाल का जो है वो ग्लो लेकर आती हैं। इसको आप ना रात को सोने से पहले जो है अगर यूज़ करती हैं, जस्ट आप इसको रोज़ वाटर के अंदर मिल्क पाउडर को ऐड करें और एज अ क्लिंजर के तौर पर आप इसको यूज़ कर सकती हैं। अगर आपके पास कोई भी बेस्ट क्लिंजर नहीं है तो ये एक बेस्ट क्लिंजर का भी काम करेगी। उसके बाद आ जाती है एलोवेरा जेल। ये आपकी स्किन के ऊपर जहां पे भी आपके कोई भी अगर वो आ जाती है, आपके सेल्स हैं वो सेल्स आपके डेड हो चुके हैं, या आपकी स्किन के ऊपर कहीं पे कोई रैश वगैरह है, तो अगर आप कोई भी इस तरह की होम रेमेडीज यूज कर रही हैं तो उसके अंदर एलोवेरा इसीलिए ऐड किया जाता है, एलोवेरा जेल, ताकि वो आपकी स्किन को मजीद रैश अप ना करे, आपकी स्किन के ऊपर कोई भी जो है वो रैश ना हो, आपकी स्किन के ऊपर कोई भी उसके साइड इफेक्ट्स ना आए, आपकी स्किन को वो प्रोटेक्टिंग लेयर जो है वो फराहम कर देता है जो एलोवेरा जेल है। बाद जी हम इसके अंदर हल्दी पाउडर ऐड कर रहे हैं। हल्दी पाउडर ये काम करता है कि आपने आपके जो है वो एक्नी है, एक्नी को कंट्रोल करता है। उसके बाद आपकी स्किन को जो है इसके अंदर इतने ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ हैं वाइटनिंग की भी कि मैं आपको बता नहीं सकती, इतने कमाल के ये रिजल्ट देता है। आपके जो स्किन के ऊपर काफ़ी जगह के ऊपर जो है डिकलरेशन हो जाती है, ये उसको भी कंट्रोल करता है जो हल्दी पाउडर है। उसके बाद अच्छी तरह से आपने इसको मिक्सअप करते रहना है, कोई भी चीज़ जो है वो एक अलग शक्ल में जो है वो
पेस्ट के अंदर मौजूद ना रह जाए। आपने बहुत अच्छी तरह से इसको मिक्सअप करना है, मिक्सअप करके आप साथ साथ चीज़ों का ऐड करते जाएं। उसके बाद जो सबसे मेन इंग्रेडिएंट आ रहा है वो जी आ गया लेमन। लेमन को आपने ज़्यादा यूज़ नहीं करना, आपने जस्ट 2-3 ड्रॉप्स जो हैं वो लेने हैं, इससे ज़्यादा यूज़ ना किया करें। बस इतना सा आपने लेमन जूस लेना है। लेमन जूस लेकर आपने इसके अंदर इसको ऐड कर लेना है। वो लड़कियाँ लेमन जूस को ऐड हरगिज़ ना करें जिनकी स्किन जो है वो ड्राई है, जिनकी स्किन ऑयली है जस्ट वो यूज़ करें। और जो लड़कियाँ जो लेमन है वो आपकी स्किन के ऊपर ब्लीचिंग का काम करते हैं आपकी स्किन को, इसके अंदर ब्लीचिंग प्रॉपर्टीज बहुत ज़्यादा हैं। उसके बाद अगर जो लड़कियाँ ड्राई स्किन है बट वो लेमन यूज़ करना चाह रही हैं और उनको लेमन सूट भी करता है, तो आपने क्या करना है, आपने 7 विटामिन ई का कैप्सूल ज़रूर ऐड करना है। विटामिन ई के कैप्सूल क्यों ऐड करते हैं, क्योंकि इससे जो है आपकी स्किन के ऊपर कोई भी जो भी आप प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं या कोई भी आप फेशियल यूज़ कर रहे हैं या आप इस तरह की होम रेमेडीज़ यूज़ कर रहे हैं, तो उसमें विटामिन ई का ऑयल जो है वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव रिजल्ट्स देता है। ग्लो बहुत अच्छा आता है आपके फेस के ऊपर। एक्स्ट्रा ग्लो के लिए हम विटामिन ई के कैप्सूल जो हैं वो यूज़ करते हैं। मैं खुद इसको यूज़ कर चुकी हूँ, 1000 times मैं इसको यूज़ कर चुकी हूँ और इतने कमाल के रिजल्ट्स मिलते हैं मुझे। मैं मंथली फेशियल ज़रूर करती हूँ बट मैं अपने कलर को मैनेज करने के लिए अपने मैं ज़रूर इस फेशियल को करती हूँ। वीक में आप इसको 2-3 दफ़ा भी कर सकते हैं। अगर 2 दफ़ा आप लोग कर लें तो आपका कलर जो है वो हरगिज़ टैन की तरफ नहीं जाएगा बल्कि ब्राइटअप रहेगा, आपका स्किन ग्लो करेगा। आप जो है 12 से अबव लड़कियां इसको यूज करें, बहुत अच्छे लड़के भी यूज कर सकते हैं, लड़कियां भी यूज कर सकती हैं। मैं आपको अब लाइव रिजल्ट दिखाऊंगी अपने हैंड के ऊपर अप्लाई करके, आप देख लें कोई ग्लो नहीं है मेरे हैंड्स के ऊपर। अब इसको मैं अप्लाई करूंगी, इस तरह से जो है वो पेस्ट आपका बन जाएगा। और जो लड़कियां मुझे बार बार पूछती हैं कि आप ही हम लोग यूट्यूब चैनल बनाना चाह रही हैं तो आप हमें गाइड कर दें, तो मैं हाजिर हूं अपनी यूट्यूब फैमिली के लिए। आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पर बात कर सकते हैं, जो भी आप लोगों को टिप्स एंड ट्रिक्स चाहिए होंगे मैं आप लोगों के साथ जरूर शेयर करूंगी इसलिए। और अगर आप लोग किसी भी टॉपिक के ऊपर आप लोगों को वीडियो चाहिए, आप लोग कमेंट सेशन में मुझसे बात कर सकती हैं, मेरे साथ इंस्टाग्राम पे बात कर सकती हैं, मुझे गाइड कर सकती हैं कि आप ही हमें इस टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए। मैं कोशिश करती हूं कि मेरे सैलून के रिलेटेड हो, आप कोई भी जो न्यू बिगनर्स हैं वो कुछ सीखना चाह रही हैं तो मैं उन्हें सिखा सकूं, अगर मेरे पास इतना नॉलेज है तो मैं आप लोगों को डिलीवर कर सकूं। बाकी जी इस तरह से आपने इसको अप्लाई करना है और आपका ये पेस्ट की तरह जो है वो अप्लाई होगा। बहुत अच्छी तरह से आपने इसको अप्लाई करके आप फेस के ऊपर भी इसी तरह से इसकी एप्लीकेशन कर सकती हैं। मैं आपको हैंड्स के ऊपर अप्लाई करके इसके जो रिजल्ट्स हैं वो लाइव शेयर करूंगी। इतने कमाल के रिजल्ट्स आपको ये देगा, इतना हसीन जो है वो ग्लो आ जाएगा फेस के ऊपर कि हर कोई आपसे जो है वो पूछने पर मजबूर होगा कि आपने कुछ ना कुछ तो जरूर किया है अपने फेस के ऊपर, कोई फेशियल किया है या कोई भी आप रेमेडी यूज करें, जिस तरह के आपकी स्किन के ऊपर इतना अर्जेंट और इंस्टेंट ग्लो आपकी स्किन के ऊपर आ जाएगा। इस तरह से आपने अप्लाई करके आप 15 मिनट के लिए छोड़ सकती हैं और ज़्यादा आपने स्क्रबिंग नहीं करनी है, आपने बस स्मूथली हैंड के साथ इस तरह से कर सकती हैं। ज़्यादा स्क्रबिंग से आपने जो है वो अपने हाथों को भी कंट्रोल करना है और कोशिश करनी है कि आप जो है इसके आप कोई भी ऐसे रेमेडी यूज़ करें जिसमें जो है वो हल्का हल्का सा कोई भी दाना है या कोई भी ऐसी चीज़ आपने यूज़ की है तो आपने स्किन के ऊपर बहुत ज़्यादा उसकी स्क्रबिंग नहीं करनी, अंडर आई एरिया पर तो बिल्कुल भी नहीं करनी। अगर हैंड्स के ऊपर आप अप्लाई कर तो आप थोड़ा थोड़ा सा हल्के हैंड के साथ इसकी एप्लीकेशन करके उसको स्क्रबिंग कर सकते हैं, अदरवाइज फेस के ऊपर नहीं। बाकी मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं अपनी YouTube फैमिली के साथ इस तरह के मज़े की होम रेमेडीज शेयर करती रहूँ और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप लोगों के लिए लेके आती रहूँ, इसलिए फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मैं जब भी कोई वीडियो अपलोड करूँ आपको फटाफट से नोटिफिकेशन मिल जाए और आप मेरे वीडियोज़ के साथ जो है वो हमेशा के लिए बने रहें और मेरी यूट्यूब फैमिली एक बन जाए बहुत जल्दी, ताकि जो है हम एक चेन चला सकें और मेरी जितनी भी न्यू बिगनर्स हैं, मेरी प्यारी बहनें हैं, वो कुछ भी सीखना चाह रही हैं, सैलून के रिलेटेड हैं या अपनी स्किन का कोई भी प्रॉब्लम डिस्कस करना चाह रही हैं या यूट्यूब क्या उन्हें कोई मसले आ रहे हैं, यूट्यूब चैनल बनाना चाह रही हैं और उन्हें पता नहीं है कि हम किस तरह बनाएं या किस तरह करें, वो भी मेरे साथ बात कर सकती हैं। मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी, मैं कोशिश करूँगी कि मैं जितना आप लोगों को जिस बारे में भी गाइड कर सकूँ गाइड करूँ। ले जी फाइनली हम लोग जो है वो रिमूव करने लगे हैं और आपने जो है वो रिज़ल्ट देखने हैं गाइज, क्या रिज़ल्ट हमें मिले, अल्लाह।
अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। मैं वही आप लोगों के साथ चीज शेयर करती हूँ जिसके मुझे 100% मिले हो रिजल्ट्स। आप लोग देख लें कि क्या रिजल्ट आया और क्या ग्लो आया। मैं आपको हैंड भी वॉश करके दिखाऊंगी। ये आपको लग रहा होगा कि ऐसा रिजल्ट आया जैसे हम लोगों ने जो है वो ब्लीच कर लिया। तो ब्लीच की तरफ हम क्यों जाएं अगर हमारे हाथों के ऊपर इस तरह का ग्लो हमें मिल जाए। तो कोशिश करें, इस होम रेमेडी को जरूर ट्राई करें और ट्राई करके अपने रिजल्ट्स मेरे साथ जरूर शेयर करें। इंस्टाग्राम के ऊपर स्टोरी जरूर लगाएं। बाकी जी अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में भी याद रखिएगा। मैं कोशिश करती रहूँगी कि मैं अपनी YouTube फैमिली को इसी तरह से गाइड करती रहूँ और रिजल्ट्स आप लोग देख लें कि क्या हसीन रिजल्ट्स आए हैं। माशाल्लाह 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 बहुत हसीन रिजल्ट आए हैं। मेरी प्यारी प्यारी बहनों ने जिनके स्किन के ऊपर टैन बहुत ज़्यादा हो गया है, कलर, अब आप लोगों को पता है समर सीज़न स्टार्ट है और सब के जो है वो रंग काले होने शुरू हो जाएंगे, तो इस होम रेमेडी को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लें। वीक में 2 दफ़ा ज़रूर ट्राई करें, यूज़ करें और इसके रिजल्ट से जो है आप लोग फ़ायदा उठाएं। बाकी आप लोगों को मैं यकीन करती हूँ कि आज की वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। डिसकलरेशन आप लोग जो है वो देख सकते हैं, फ़र्क आप लोगों के सामने है किस तरह इसने एक ब्लीच का काम किया है। वाओ अमेजिंग अमेजिंग माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। बाकी जी अभी भी बहुत सारी ऐसी बहनें होंगी जो कि वीडियो को देख रही हैं बट सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, तो उन सब से मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि मेरी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बन जाएँ और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। इस तरह से जो है मैं मोटिवेट होती हूँ और मैं दिल करता है कि आप लोगों के लिए इस तरह की अच्छी वीडियोस में आप लोगों के लिए बनाकर लाती रहूं। बाकी टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।